राजनांदगांव जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ विभिन्न मांगों को लेकर राजनांदगांव जिला मुख्यालय में तीसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। सोमवार को जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने पूर्व की मांगों के पूरा न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे, जो आज तीसरे दिन भी जारी रहा। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रूप नारायण हिरवानी ने बताया कि बैंक प्रबंधन से बार बार मांग करने के बाद भी कर्मचारियों की मांग को अनदेखा किया जाता रहा है, जिसे लेकर सहकारी समिति कर्मचारी संघ के कर्मचारी काफी आक्रोशित है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सहकारी समिति के कर्मचारी काफी कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं। उनकी पहली मांग है कि कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए और समिति प्रबंधकों के लिए वेतन के निर्धारण हेतु पत्र जारी किया गया है, जिसे समिति बोर्ड में पास कर वेतन दिया जा रहा है। इसी प्रकार समिति में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए भी वेतन निर्धारण कर पत्र जारी किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि मांग पूरी नहीं होने तक सहकारी समितियों में काम ठप रहेगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।